सागर जिले के राहतगढ़ नगर में भारत बंद के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा और जमीयत उलमा हिंद के द्वारा NRC और CA का विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास एकत्रित होकर विरोध दर्ज कराया, साथ ही सभी से संविधान बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। इस दौरान अनेक नगरवासी मुस्लिम समाज बंधु शामिल रहे। वहीं भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। काला कानून पास किया गया है जिसको CA के नाम से याद किया जाता है और आगे इनकी जो प्लानिंग है NRC और NPR वगैरह का जो निज़ाम इन्होंने मुल्क के तब्दील करने के लिए, दस्तूर बदलने के लिए, मुल्क के अंदर अमनी बदअमनी फैलाने के लिए जो एक काला कानून पास किया गया है उससे मुतालिक जमीयत उल उलमा ने पूरे हिंदुस्तान को आज भारत बंद का जो ऐलान किया था उसके तहत हम लोगों ने आज भारत बंद का सहयोग किया है और उसमें हमारे बहुजन क्रांति समिति वाले भी हजरात हमारे साथ रहे और बड़ी तादाद में इस कानून का विरोध किया गया और अपील की गई माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी से कि इस तरह का कानून वापस लिया जाए जो संविधान के खिलाफ है। संविधान बचाओ और मुल्क बचाओ के लोगों ने जो है नारे भी। अच्छा, कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में विरोध कर रही है NRC का, यहाँ पे कितने कांग्रेसी नेता शामिल हुए कार्यक्रम में? जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सब कांग्रेसी तो ही हैं। अच्छा, कोई कांग्रेसी नेता शामिल हुए क्या? कांग्रेसी नेता इसमें जो मुस्लिम समुदाय के थे वो सब शामिल थे। अच्छा, कोई हिंदू समाज के नहीं हुए? उनकी जानकारी मुझको नहीं। आज भारत बंद के कार्यक्रम के अंदर NRC CAA और EVM मशीन के विरोध में यह रैली लेकर निकाली गई। कितना प्रभाव रहा इसका? इसका प्रभाव हमारे यहाँ कम से कम वैसे 40% के लगभग लग रहा है। दादा बताएं, स्थानीय कितने कांग्रेसी नेता कार्यक्रम में शामिल हुए? कांग्रेसी नेता यहाँ के बीच में मुश्किल से मुश्किल अगर 2-4 अगर हो जो अनजाने में रह गए हो तो। अच्छा, मतलब कांग्रेसी नेता नदारद रहा इससे? जी, मध्य प्रदेश में तो कांग्रेसी नेता ही प्रदर्शन कर रहे थे विरोध इसका NRC का। यहाँ पे कांग्रेसी नेता क्यों शामिल नहीं हुए? ये जानकारी तो वही लेके जवाब दे पाएंगे, अब उसके लिए अपने कुछ नहीं बता सकते। इसलिए कि जब दोनों पक्ष में चाहे कांग्रेसी हो या BJP वाले हो, दोनों जगह लेके वे ही लोग घुसे हुए हैं, तो अपने इस बात के लिए मंजूर करने के लिए कौन आएगा सामने? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।